बारिश की एक घनघोर रात थी जब शहर में पहली बार कमला का जिक्र हुआ। शहर के एक पुराने खंडहर हो चुके हवेली में कमला का वास था। कहते हैं कि वह पहले एक साधारण महिला थी जो अपने पति की बेवफाई के चलते आत्महत्या कर चुकी थी। उसकी आत्मा अब बदले की आग में जल रही थी और शहर के निवासियों को निशाना बना रही थी। पहली मौत जब हुई तब लोगों ने इसे एक साधारण दुर्घटना समझा, लेकिन जब घटनाओं का सिलसिला बढ़ने लगा तो शहर वाले घबराने लगे। कमला का गुस्सा शहर पर भयानक रूप से टूट पड़ा। शहर के लोग अब अंधेरे में बाहर निकलने से डरने लगे थे। हवेली के आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो चुका था। हर दिन कोई ना कोई कमला का शिकार बन रहा था। लोग अपने घरों में बंद हो गए थे और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। पुलिस ने कई बार उस हवेली की जांच की, लेकिन हर बार उनके हाथ खाली ही रहे। कोई भी कमला का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक दिन शहर में एक तांत्रिक बाबा का आगमन हुआ। बाबा ने सुना कि शहर में एक भूतनी ने आतंक मचाया हुआ है। उन्होंने शहर वालों से वादा किया कि वे कमला से छुटकारा दिलाएंगे। शहर के लोग अब बाबा पर आशा लगाए बैठे थे। बाबा ने उस हवेली में जाने का निर्णय लिया जहां कमला का वास था। बाबा ने अपने साथ कुछ और तांत्रिक उपकरण और अपने शिष्यों को लिया और हवेली की ओर बढ़े। हवेली में घुसते ही बाबा को महसूस हुआ कि यहां की ऊर्जा बहुत नकारात्मक है। वे समझ गए कि कमला की आत्मा बहुत शक्तिशाली है और उसे रोकना आसान नहीं होगा। जैसे ही वे हवेली के भीतर पहुंचे, एक जोरदार ठंडी हवा का झोंका आया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। बाबा ने अपने मंत्रों का जाप करना शुरू किया और हवेली के हर कोने में पवित्र जल का छिड़काव किया। अचानक हवेली में एक भयानक चीख गूंज उठी और सबने देखा कि कमला की आत्मा एक कोने में प्रकट हो गई। कमला का चेहरा विकृत था और उसकी आंखों में केवल बदले की आग थी। उसने बाबा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाबा के मंत्रों की शक्ति के सामने वह कमजोर पड़ने लगी। बाबा ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर कमला को एक पवित्र घेरे में बांध दिया और उसे शांत करने का प्रयास करने लगे। कमला ने बाबा से कहा, मुझे क्यों रोका जा रहा है? मैंने तो केवल अपना बदला लिया है। बाबा ने उसे समझाने की कोशिश की कि बदला लेना उसकी आत्मा को शांति नहीं देगा, बल्कि उसे और भी अधिक पीड़ा में डाल देगा। कमला ने बाबा की बातों को सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कमला ने बताया कि कैसे उसके पति ने उसे धोखा दिया था और उसकी मौत के बाद भी उसे चैन नहीं मिला। बाबा ने उसे वादा किया कि वे उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे और उसके पति को भी सजा दिलाएंगे। कमला ने बाबा पर विश्वास किया और अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए तैयार हो गई। बाबा ने अपने मंत्रों और तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करके कमला की आत्मा को मुक्त कर दिया। कमला की आत्मा ने शहर वालों से माफी मांगी और अपनी मुक्ति के साथ ही वह हमेशा के लिए हवेली से गायब हो गई। शहर के लोग अब राहत की सांस ले सकते थे। बाबा ने कमला के पति को ढूंढ निकाला और उसे उसके पापों की सजा दिलाई। शहर वालों ने बाबा का धन्यवाद किया और उनकी पूजा की। अब हवेली भी साफ सुथरी और सुरक्षित हो गई थी। लोग अब बिना किसी डर के वहां जा सकते थे। इस भयानक घटना ने शहर वालों को एक गहरा सबक सिखाया। उन्होंने सीखा कि नफरत और बदले की भावना केवल विनाश लाती है। कमला की आत्मा को मुक्ति दिलाने के बाद शहर में फिर कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुईं। बाबा के आशीर्वाद और कमला की आत्मा की शांति ने शहर को एक नई उम्मीद दी। समय बीतता गया और कमला की कहानी केवल एक किंवदंती बनकर रह गई, लेकिन शहर वाले कभी नहीं भूले कि कैसे एक आत्मा की पीड़ा ने उन्हें सिखाया कि मानवता और दया ही सबसे बड़ी शक्ति है। कमला की आत्मा की शांति ने शहर में फिर से खुशियों का माहौल बना दिया। बाबा ने शहर में एक मंदिर बनवाया जहां लोग आज भी जाते हैं और कमला की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस मंदिर ने शहर वालों को एक नया मार्ग दिखाया और उन्हें सिखाया कि कैसे वे अपने दुखों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। कमला की आत्मा ने उन्हें सिखाया कि शांति और प्रेम ही जीवन का सच्चा मार्ग है। शहर वालों के लिए कमला की कहानी अब केवल एक भयावह याद बनकर रह गई थी। हर व्यक्ति जिसने उस खौफनाक दौर को देखा था अपने जीवन में आगे बढ़ चुका था, लेकिन कमला की आत्मा की मुक्ति और बाबा के आशीर्वाद ने
शहर में एक नया अध्याय शुरू किया था। लोग अब शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे, लेकिन उस भूतिया हवेली की कहानी हमेशा उनके दिलों में बसी रही। बाबा के मंदिर में लोग नियमित रूप से पूजा करने आने लगे। यह मंदिर अब केवल पूजा स्थल नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया था जहां लोग अपनी परेशानियों को भूलकर शांति की तलाश में आते थे। बाबा का आशीर्वाद और कामला की कहानी ने लोगों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी थी। यहां आने वाले हर व्यक्ति को यह विश्वास था कि कामला की आत्मा अब उन्हें किसी भी बुराई से बचाएगी। समय बीतने के साथ साथ शहर में नई पीढ़ी आई, जिसने केवल कामला की कहानी को अपने बुजुर्गों से सुना था। उन्होंने इस कहानी को एक दंतकथा के रूप में स्वीकार किया, लेकिन पुरानी पीढ़ी के लोग जानते थे कि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक सच था जिसे उन्होंने खुद देखा और महसूस किया था। एक दिन शहर में एक नया व्यक्ति आया, उसका नाम अर्जुन था। वह एक पुरातत्वविद था और उसे पुरानी कहानियों और रहस्यमय घटनाओं में बहुत रुचि थी। जब उसने कमला की कहानी सुनी तो उसका मन उत्सुकता से भर गया। उसने निर्णय लिया कि वह इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी जुटाएगा और संभवतः हवेली में जाकर खुद इसकी जांच करेगा। अर्जुन ने शहर के पुराने रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। उसने पाया कि कमला की कहानी में कई ऐसी चीजें थीं जो अभी भी अनसुलझी थीं। उसने सोचा कि शायद हवेली के भीतर कुछ ऐसे सुराग हो सकते हैं जो इस कहानी को और गहराई से समझा सकें। उसने अपने कुछ साथियों को इकट्ठा किया और हवेली की ओर चल पड़ा। जब अर्जुन और उसके साथी हवेली पहुंचे तो उन्हें वहां का माहौल अभी भी थोड़ा डरावना लगा। हवेली का मुख्य दरवाजा अब भी बंद था, लेकिन अर्जुन के पास उसके लिए चाबी थी जो उसे शहर के पुरातत्व विभाग से मिली थी। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के भीतर की धूल और मकड़ी के जाले अभी भी मौजूद थे, लेकिन अर्जुन को यहां कुछ और ही ढूंढना था। जैसे ही उन्होंने हवेली के भीतर का निरीक्षण शुरू किया, उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी कमला की थी, जिसमें उसकी जिंदगी के हर पहलू का विवरण था। अर्जुन ने डायरी को पढ़ना शुरू किया और उसमें उसने पाया कि कमला की आत्मा ने अपने दुख और तकलीफों को उसमें व्यक्त किया था। डायरी के हर पन्ने में कमला के दर्द और पीड़ा की कहानी थी। अर्जुन ने डायरी के आखिरी पन्ने पर देखा कि कमला ने अपनी मौत से पहले कुछ लिखा था। उसमें लिखा था, मैं केवल न्याय चाहती हूं। मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मुझे इंसाफ मिलेगा। यह पढ़कर अर्जुन को समझ में आया कि कमला की आत्मा अभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई है। उसे लगा कि उसे कुछ और करना होगा ताकि कमला की आत्मा को सच्ची शांति मिल सके। अर्जुन ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस हवेली के हर कोने की जांच की। उन्होंने पाया कि हवेली के पीछे एक पुराना कुआं था जो वर्षों से बंद पड़ा था। अर्जुन को लगा कि शायद इस कुएं में कुछ सुराग हो सकते हैं। उन्होंने कुएं को साफ करने का काम शुरू किया। जैसे ही कुआं साफ हुआ, उन्हें उसमें एक पुराना बक्सा मिला। बक्सा बहुत भारी था और उस पर जंग लगी हुई थी। अर्जुन ने अपने साथियों की मदद से बक्से को खोला। उसमें उन्हें कुछ पुराने दस्तावेज और गहने मिले। दस्तावेजों में कामला के पति के खिलाफ सबूत थे जो यह साबित करते थे कि उसने कामला के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। अर्जुन ने उन दस्तावेजों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उन सबूतों के आधार पर कमला के पति को गिरफ्तार किया और उसे उसके पापों की सजा दी। जब कमला की आत्मा को यह सब पता चला तो उसने अर्जुन का आभार व्यक्त किया और उसकी आत्मा को शांति मिली। कमला की आत्मा ने आखिरी बार अर्जुन से कहा, तुमने मुझे न्याय दिलाया है, अब मैं शांति से जा सकती हूं। इसके बाद कामला की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो गई और हवेली में एक अजीब सी शांति फैल गई। अर्जुन और उसके साथियों ने उस हवेली को एक संग्रहालय में बदलने का निर्णय लिया ताकि लोग कामला की कहानी को जान सकें और उससे सीख सकें। अब वह हवेली एक ऐतिहासिक धरोहर बन गई थी जहां लोग आते और कामला की दर्द भरी कहानी को सुनते। शहर वालों ने अर्जुन का धन्यवाद किया और उसे अपना हीरो मान लिया। अर्जुन ने शहर में एक नया अध्याय शुरू किया जहां लोग अब बिना किसी डर के जी सकते थे। कमला की आत्मा की शांति ने पूरे शहर को एक नई दिशा दी और उन्हें सिखाया
कि सच्चा न्याय और प्रेम ही जीवन का मार्ग है।